ये देखो, ये है सारी नायल की तस्वीरें, और ये डॉली की शादी, डॉली है ना वो आजर की कजन है डॉली, उसकी नबील के साथ जो शादी हुई थी, ये सारी उसकी तस्वीरें, और ये सुखैना और लैला और बाकी दोनों बच्चे। ओ, तो ये है वो सुखैना जिसकी मेला फैमिली में शादी हुई है? मेला नहीं भाई, मेला। बड़े जमींदार हैं वो। वैसे ये तस्वीरें लगाने का तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, है ना। अच्छा ना, अच्छा चलो छोड़ो इसको, तुम कुछ खाओ ना। रबिया किधर है? पिछले 3 हफ्ते से फराज के साथ लंदन गई है। लंदन गई? फराज की शूटिंग थी ना, तो उसके साथ चली गई भाई। लेकिन उसकी तो डिलीवरी डेट आने वाली है। हाँ, मगर उसने सोचा कि कुछ नाइल के लिए शॉपिंग कर लेगी, कुछ अपने होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग करेगी भाई। लेकिन ऐसे दिनों में उसको ट्रैवलिंग तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा, और वैसे भी तुम्हारे मशवरे जो है ना, तुम्हारी तरह से खड़क चुके हैं। खड़क चुके? ये किस किस्म की जबान बोल रही हो तुम? अगर तुम 2 शादियां पंजाब में अटेंड कर लो ना, तो तुम भी ऐसी जुबान बोलना शुरू कर दोगी। अच्छा ये बताओ, बर्थडे का क्या प्लान है? कितने साल की हो रही हो तुम? कितने की भी मैं हूँ, तुमसे बस सिर्फ 2 साल बड़ी हूँ। 2 साल बड़ी हूँ? ये क्यों नहीं कहती 10-20 साल बड़ी हो मुझसे? ओह छोड़ो। अच्छा, आज़र और सिला ने कोई प्लान किया तुम्हारी बर्थडे का कि नहीं? पता नहीं, और वैसे भी इस उम्र में बर्थडे क्या मनाना? क्या मतलब, बर्थडे का कोई प्लान नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे मिलने आई हो या तीली लगाने? व्हाट, तीली लगाने? ये तो खुदा के लिए पंजाब में जाना कम कर दो। अच्छा अच्छा, चाय पियो। और जो तुमने मुझे बर्थडे पे प्रेजेंट देना था ना, वो नेकलेस, बेशक मत देना। ऐसा मैंने क्या कह दिया? कुछ भी तो नहीं, चाय पियो, चलो चाय पियो। सो जाओ, सो जाओ। नो रोना नहीं ना, लेट्स स्लीप। हाँ भाई। ओ क्या हो रहा है, फिर से कपड़े बदल रहे नाइल? हेलो नाइल, हेलो मेरा बच्चा, कितना साफ साफ हो गया है। क्या हो रहा है, कपड़े बदले जा रहे हैं? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं होना। क्या हुआ, कपड़े क्यों बदल रही हो फिर से? नानी बस हर 15 मिनट बाद थूके मार के गंदे कर देता है। हाँ तो कौन सी आफत आ गई, बच्चा है ना, है ना, प्यारा प्यारा बच्चा है नाइल। और माफ करना सिला, तुम भी कोई बहुत टाइडी बच्चा नहीं थे। ये लो पहनाओ ना इसे। अच्छा आपकी सहेली कहाँ है? चली गई भाई। क्या कह रही थी? बस ऐसे ही, the usual gossip। और पूछ रही थी कि रबिया कहाँ है, मैंने कहा लंदन गई हुई है, कहने लगी आजकल तो उसे ट्रैवल करना नहीं चाहिए। आई नो, लेकिन डिलीवरी में भी तो अभी टाइम है ना नानी। आई नो, मगर फिर भी ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती, क्या जरूरत थी? चले कोई बात नहीं। सिला, तुम्हारा और आज़र का कल का क्या प्रोग्राम है? कल? कल क्या है? 15 तारीख। तो नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी कि तुम्हारा कल कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं नानी, कल प्लान नहीं है, लेकिन आपको पता है ना कि कितनी लेट आता है वो आजकल ऑफिस से, कोई 5-6 मीटिंग तो उसकी सिर्फ कल ही है। मैं यही सोच रही हूँ कि फिर डे स्पेंड करने के लिए लैला के पास चली जाऊँ। इनफैक्ट आई विल गिव हर अ कॉल। हेला सिला, घर पे भी कोई वक्त गुजारा करो। क्या कोई प्लान है आपका कल? मेरा नहीं, नहीं तो? तो फिर अच्छा है ना, आप नाइल को संभाल लीजिएगा, ठीक है? मैं उसको भी फोन करी हूँ फिर। हेलो, ये याद से चेक दे देना सुबह सलीमी साहब को। ठीक है बेबी। और आज़र के लिए खाना ना लगाएगा? क्यों, आज़र खाना नहीं खाएगा क्या? वो नानी, उसका फोन आया था, उसने कहा कि उसने ऑफिस में ही खा लिया है। भाई ये भी कोई बात हुई भला, खाना घर पे आके खाना चाहिए। नानी लेट हो गया था ना, और फिर आप कहेंगे कि मैं अंडरस्टैंड नहीं करती। जाओ दरवाजा खोलो। ठीक है जी। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। सब मुझे दे दें। नहीं नहीं, बस तुम गाड़ी में से पेपर्स निकाल लो। वालेकुम सलाम भाई, तुम्हें खाना घर पे खाना चाहिए। नानो इतना टाइम हो गया था ना, इसलिए बाहर खा लिया। देखे तो सही, अभी तक सोई क्यों नहीं? वो सोच रही थी कि 12 बजे क्या? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अब सुनो, नाइल कहाँ है? वो तो सो गया। अच्छा चलो ये तो अच्छा हुआ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, सो जाते हैं। थोड़ी देर तो और रुको, अभी 12 बज जाएंगे। नानो सुबह सुबह फिर उस बॉस की शक्ल देखनी होती, बहुत काम कराते हैं वो। चलो लेट्स गो। सिला तुम तो रुक जाओ,
तुमने कौन सा ऑफिस जाना है? नानी वो नायल सुबह सुबह उठा देता है ना, आप भी सो जाएं, आप क्यों इतनी लेट तक जागी रहती हैं? Exactly. तो मैं सोच रही थी कि शायद रबिया और फराज फोन करें। वो क्यों फोन करेंगे इतना लेट? सो गए होंगे वो अभी। अच्छा आपकी मर्जी, हम तो सोने जाते हैं। क्या फायदा है ऐसी औलाद का जिसको एक सालगिरह तक याद ना हो? और उस आसर को देखो भाई, तू 15-20 मिनट रुक ही जाओ, लेकिन रुकने का फायदा जब सालगिरह ही याद नहीं थी। कैसे हैं ये भी? और ये तुम्हारा आइडिया होगा है ना? जी नहीं, आपकी फैमिली में सिर्फ एक इंटेलिजेंट आदमी, वो है मैं। हेलो, क्या गया? मेरा था। और तुम कहाँ थी इतने दिन? मैं वो नानी, मैंने सोचा कि मैं आपको बड़ा सा सरप्राइज दूँ। इट्स रियली हैवी, सो जल्दी से ब्लो करें कैंडल। और नायल भी उठ जाएगा, सो जल्दी जल्दी क्विक। हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच, बच्चों ने तो बस थैंक यू थैंक यू। शाहब, पेंट वाले आ गए? जी आ गए। आपने जो रंग बोला था ना वो नहीं मिला, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे का कमरा पेंट करना है, कोई बेकरी नहीं बनानी है। सारे तजुर्बे उन्होंने हम पर ही करने, उनसे कह देना कि एक ब्रश लगाने से पहले मुझे दिखा कर लगाएं। जी अच्छा। सिला उठ गई क्या? वो सोती ही कहाँ है, कभी तो बच्चे को सुला रही होती है। अच्छा और... बस शाहब बस बस, 2 मिनट तुमसे बात करो दिमाग खोखला हो जाता है, चलो जाओ यहाँ से। ओह माय गॉड, अल्लाह खैर करे, क्या हो गया जी? साइमा चौधरी की नुमाइश हिट हो गई, अब तो लोग चीन से देखने आएंगे उन्हें, माशाल्लाह से एक ही है पूरे कायनात में। कार्ड्स कहाँ हैं? कार्ड्स कहाँ हैं उस नुमाइश के? आपको कार्ड की क्या जरूरत पड़ गई? आपको कौन रोकेगा जाने से, आप तो माशाल्लाह सगे रिश्तेदार हैं उनकी। अरे भाड़ में गई रिश्तेदारी, जो मुझे बातें सुननी पड़ेंगी उसकी। कार्ड्स कहाँ हैं? मैं तुम्हें पता है मैं यहाँ रख देती हूँ कार्ड्स, ताकि मुझे याद रहे, मगर कहाँ हैं? कहाँ हैं? यहाँ तो कोई कार्ड नहीं है, कहाँ गए वो? ये रहे, फाड़ दिए तुमने ये कार्ड्स, फाड़ दिए तुमने। मैं तो आपकी रद्दी भी बहुत संभाल के रख लेता हूँ,
पता नहीं कब और कहां आपको जरूरत पड़ जाए। मैं क्यों फाड़ूंगा इतनी अजीम नुमाइश के कार्ड? आपने फाड़ दिए होंगे। मैंने फाड़े होंगे? मैं कैसे फाड़ सकती हूँ? शायद आप फाड़ के भूल रही हैं। चलो जाओ यहां से। क्या किया है मैंने? साइमा चौधरी के बारे में मैं जी क्या कह सकता हूँ, फैसलाबाद की सबसे एस डिजाइनर। ओके, उन्होंने तो फैशन वीक पे आके हम जैसे बड़े बड़े डिजाइनर्स के छक्के उड़ा दिए हैं। साइमा चौधरी बड़ी बड़ी शॉर्ट टाइम में इनका नाम आ गया। साइमा चौधरी का बड़ी अच्छी डिजाइनर है। फैसलाबाद से शायद पहली इतनी सुपरस्टार डिजाइनर निकल कर आ रही है, कोशिश कर रही है। और उनकी साइमा के लश्कारे लॉन जो है आप देखिए, अभी उनकी नई लॉन निकलने वाली है जिसका टाइटल है साइमा के लश्कारे। और अगर उन्होंने मुझे कहा कि साकिब आपने इसकी कोई एडवर्टाइजिंग करनी है तो मैं खुशी खुशी करूंगा, क्योंकि मुझे उनका स्टाइल बड़ा पसंद है साइमा का जी। अगर साइमा के लश्कारे हैं तो पता नहीं हम सब हारे ही हारे। And now we have with us famous and fabulous designer Saima Chaudhary, जो बहुत मुश्किलों से हमारे हाथों आई हैं और इन्होंने पूरी फैशन इंडस्ट्री में एक तहलका सा मचा दिया है। Hi Saima, you look lovely. Thank you very much. खिंच लो जितनी मर्जी तस्वीरें, लेकिन याद रखना मेरी फ्रंट पेज पे सैड पोज आना चाहिए। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये रिपोर्टर जो होते हैं ना, जिनको कोई प्रीटी लड़की नजर आ जाती है तो फिर ये पहुंचते ही जाते हैं। ये आपने जोड़ा किसका पहना हुआ है? मैंने मेरे अपने। अच्छा चलो कोई बात नहीं। खैर बहरहाल, मैं अपने सारे फैंस को बता देना चाहती हूँ कि मैंने कई साल पहले जब डिजाइनर बनने का ख्याल सोचा था तो मेरे पास सिर्फ 8 मीटर कपड़ा था, 2 टूटी 25 सिलाई मशीनें थी, एक खड़के हुए मास्टर साहब थे। लेकिन आज देखें मेरी दुकानें फैसलाबाद, लाहौर और अब कराची में भी हैं। हाँ जी, कराची के डिजाइनर हो जाओ तैयार, आ रही है सैमा चौधरी आपके शहर में, मैं फटिया फेर देनी पड़िया। वाओ, आपका लॉन का ब्रांड एक साल में इतना मशहूर हो गया, वाओ, इसके बारे में आप कुछ कहेंगी? वाओ वाओ क्या कर रही है, मुझे डर लगता है ऐसे ना किया कर रहा। मैंने अब क्या कहना, मैं तो कब से कह रही हूँ कि देखो मैंने इजी ना लेना, मैं कभी भी हिट हो जाना है, मगर मजाल जो किसी ने मुझे मुंह भी लगाया हो, अब देखना मैंने सबकी फटियां ना उखेड़ दी तो मेरा नाम बदल देना। अब अपने शहर फैसलाबाद के लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? मेरे फैसलाबाद के बहन भाइयों, देखें आपकी बहन ने कितनी तरक्की की है, आप याद रखना पूरी दुनिया में मैंने फैसलाबाद का नाम स्प्रेड करके रख देना है। दो ही चीजें होंगी जो दुनिया में जानी जाएंगी फैसलाबाद की, एक घंटा कर और एक सैमा चोरी। सिला, सिला यार मेरे जूते तो ढूंढ दो प्लीज, जूते तो ढूंढ दो यार। ए बाबा क्या, गुड मॉर्निंग। फट गया, जूते कहाँ हैं भाई? एक मिनट यार, पहने तो हुए हैं तुमने? यार मेरा दिमाग खराब हो गया, I'm so sorry। ऑफिस में टेंशन ज्यादा हो गई है क्या? बहुत ज्यादा, पता है कल रफीक के 10 मिनट लेट आने पे बॉस उसको निकाल दिया। तो जल्दी भागो, तुम तो 4 घंटे लेट हो, जल्दी जाओ। एक्चुअली यार बहुत देर, जल्दी जल्दी, बाय 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 बाय, यहां से चेंज, गो गो। ओए 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 ओए, लेट्स चेंज यू। गंजू फिर से डिसअपीयर हो जाओ तुम, कहाँ थी 1 महीने, ना कोई कॉल बैक ना मैसेज। इज दैट ट्रू? नानू वो मैं इतना बिजी थी ना, इतना बिजी थी कि एक मैसेज भी नहीं कर सकी। आखिर कहाँ चल रहे थे ये मैसेजेस आजकल? हाँ सिला, और ये बताओ कि तुम्हारा मिस्टर मैला कैसा है? ठीक है, तो उसकी अम्मी की और तुम्हारी अम्मी की मुलाकात हो गई ना? जी हो गई। तो फिर बताओ कि ढोलकियां कब शुरू करोगी और मैं साड़ियां अपनी इस्त्री करनी शुरू कर दूं? हैं वो नायका है, मैं उसके लिए कुछ लेकर आई हूँ। कोई फायदा नहीं, नायल कब का सुखी खाले की शक्ल भी भूल गया,
तो मैं उसको शक्ल अपनी याद दिला दूंगी। पहले ये बताओ कि तुम कहाँ थी एक महीने। सारी बातें नानी के सामने पूछना जरूरी है क्या? ऊपर चल के बताती हूँ ना। नहीं ले जाऊंगी जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी। सुनो, ओके ओके, नानी हम ऊपर जा रहे हैं, फिर आप हमें बुला लीजिएगा नीचे। बाय। चुन्नी, इसमें से मेरा आईपॉड फोन निकाल, तो विकी को फोन लगा के दे। इसना करी तू डब्लू में जा, तो डब्लू में जाके तो तू उसका नाम ढूंढ विकी का, तो फिर टिन 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 करेगी तो आप मिल जाएगा। मला के दे मुझे। कितनी दफा तुझे का अपने नाखून छोटे करके रखा कर। मेरे बैग पे कोई स्क्रीच पड़ गई ना, मेरे तनख्वाह से काट लेने तेरे पैसे। अब्बा जी, मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हेलो। हाँ मेरे ऋतिक। हाँ मेरे रोशन, क्या हाल है तेरा? मैं सदके जाऊँ, सच्ची कल मेरा फैशन शो इतना अच्छा रहा, मैंने तुझे बड़ा मिस किया। इतनी सारी लड़कियाँ उधर थीं, तेरे लिए मैंने 3-4 नहीं बल्कि 5-6-7 लड़कियाँ छांट ली हैं। मम्मी जी, मैंने आपसे कितनी दफा बोला है कि मेरे लिए लड़कियाँ ना देखा करें। तो मैं क्या तेरे लिए निकर बनैन ढूंढूं? आया वड्डा कितों, लड़कियाँ ही देखूंगी ना, और क्या देखूंगी तेरे लिए। मम्मी जी, मेरा अभी शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। तेरा तो पहले भी प्रोग्राम नहीं था पुत्र, पर तूने कर ली थी ना, आप फिर बना लेंगे प्रोग्राम, फिर हो जाएगी शादी। अच्छा मम्मी जी, मुझे इस टॉपिक पर आप अब्बा जी से बात करें एक मिनट। वे, अब्बा जी ने फड़ा देता है, चल करा दे, बढ़िया रो नहीं करता मेरा गल करने, टूटी लगा दी थी उनके कान में। हेलो हेलो हेलो। ओए हॉली बोल, मैंने आला लगाया हुआ है कान में। क्यों, क्या कर रहे थे? वो कहीं डांसों वाला चैनल तो नहीं लगाया हुआ था? मैंने उस वाली केबल का कनेक्शन ही कटवा दिया है, अब तो ताने देने बंद कर दे। जो सब हुज बंट विद द मिल्क ड्रिंक्स द कोल्ड कॉफी भी फुका मार मार के। ये अंग्रेजी मेरे साथ ना चाड़िया कर, समझी के नहीं? अच्छा खैर छड़े, आप सुनाए तबीयत ठीक है? खाना खा लिया आपने? वैसे क्या बात है, खैर है? जरूर कोई मतलब होगा, वरना इतने प्यार से तो तू मेरे से बरात वाले दिन ही बोली थी है? जैसा मैं कभी कभी खाम खा भी प्यार ना गाल कर लेनी, वैसे इतनी बड़ी कोई रकम नहीं थी जिसके लिए मैंने इतना प्यार से बात किया, 5,000 की बात थी। मैं बस ये पूछ रही थी कि आजर की ससुराल जा रही हूँ तो उसका बच्चा देखूंगी, तो 5,000 का नोट काफी दे दूं। क्यों, इससे पहले नोट तू मुझसे पूछ के खर्च करती रही है? जैसा अगर कभी मैंने इज्जत अफजाई कर ही ली है तो कहीं हजम ही कर लिया करें आप। हाँ जी, पूछ के ही करती हूँ आपसे खर्च। ये बता वापस कब आना है? जैसा आपने तो पूछा ही नहीं मेरा फैशन शो कैसा हुआ। इतना जबरदस्त हुआ है क्या बताऊं? हाय हाय, कराची के सारे डिजाइनरों की भेजा भेजा करा दी मैंने, बस मैं अब कराची में दुकान खोलने लगी हूँ। और किसको रोलने लगी है? रोलने नहीं लगी, दुकान खोलने लगी हूँ। कब तक रोलेगी मुझे? और चौसा आपको नहीं रोलने लगी, मैं दुकान खोलने लगी हूँ। कान खुले में मेरे। अच्छा चौसा, फिर सलाम अलैकुम। मैं फोन ही बंद कर दिया यार। सही है भी आला। हाँ ठीक है यार, चले आता हूँ मैं। ठीक है या अल्लाह, सब कुछ देवी बोला खामद ना देवी किसे नुई। इनको कौन है? हाँ जी अब बोलो। इसकी शक्ल बिल्कुल आजर से मिलती है ना? मैं ये नहीं कुछ और पूछ रही हूँ। क्या सुखी, तुम इतना इनोसेंट हो नहीं जितना बन रही हो। हाँ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कहाँ गायब थी इतने दिन? यार आई नो कि मेरी गलती थी, बट ट्रस्ट मी बहुत बड़ा मसला हो गया था। अब तो आंटी उनुची आंटी की बात भी हो रही है, अब क्या मसला हो गया था? ये तो मसला है, मैंने सोचा था कि दोनों अम्माओं की बात हो जाएंगी तो थिंग्स वुड बी ओके, बट आई गेस आई वाज रॉन्ग। क्या हो गया भाई? और आजकल फैसलाबाद देर रात तक बातें हो रही है क्या? इसकी नौबत नहीं पड़ी। क्यों? मैं इसको उठाऊं? नहीं, तुम गिरा दोगी। मैं नहीं गिराऊंगी, गिरा उठाने तो प्लीज गिरा दोगी। प्लीज नहीं, प्लीज चलो। यार वो क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से कराची में था ना। यार तू एक हफ्ते से कराची में और मुझे अब बता रहा है? ओ यार मैं किसी को बता नहीं सकता ना। क्यों, क्या मसला हो गया? ससुराल चक्कर लगाया आपने? मेरा दिमाग खराब है।
अब क्या हो गया? नुच्छी आंटी ने सुकैना के घर वालों से बात की भी है ना? बात तो हो चुकी है, लेकिन उन्होंने शादी के लिए शर्त जो रख दी है। कितने मुरब्बे मांग लिए हैं? अरे यार, मुरब्बों की बात होती तो तुझे तो पता है, अद्धा पंजाब में उसके नाम कर देता। ये हुई ना बात मेरा शहजादा। अच्छा क्या मसला फिर बता? और मसला ये है कि उन्होंने शादी के लिए शर्त रख दी है कि जब तक मैं बीए नहीं करूंगा वो मेरी शादी नहीं कराएंगे। क्या? I don't believe this. ये बीए वाले मसले में अभी तक तेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो और क्या, पहले कौमी असेंबली से हाथ धोए, अब लगता है मोहब्बत से भी हाथ धोना पड़ेगा। और तुझे मैंने ये हंसने के लिए बताया? सॉरी सॉरी, मुझे पता था बीए की डिग्री की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इतनी मुझे नहीं पता। आदर। अच्छा, जा कर रहा है, बैठ जा यार। I'm sorry, अच्छा बैठ, बता बता। यार क्या बोलू यार, अब तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। ऐसा कर, सुकैना से कह के सीरियसली अपनी अम्मी से बात करे, हो सकता है आंटी मजाक कर रही हो। मेरी शक्ल देखकर तुम्हें कहीं से लग रहा है कि वो मजाक कर रही होंगी? और बंदी पूछे कि तुम्हारे पास कितनी जायदाद है, कितने वारस हैं, कितने तुम्हारा बैंक बैलेंस है, और बीए की डिग्री भी देखने वाली कोई चीज है। हाँ मतलब तेरे पॉइंट से बात सही, लेकिन यार उनका पॉइंट भी ठीक है, मतलब उनके दामाद ने बीए ना किया वो एम्बैरसिंग तो है ना। डिग्री की बात होती ना तो मैं 10 डिग्रियां सामने ला के रख देता, लेकिन उनको असली वाली चाहिए, असली वाली। सुकैना की अम्मी मानने को तैयार ही नहीं, और दूसरी तरफ मेरी अम्मी ने फोन पे पूछ पूछ के बुरा हाल कर दिया कि तू शिकार से वापस कब आ रहा है। तू घर शिकार करके क्या आया? तो और क्या कहता यार, अम्मी को अगर मैं ये बताता कि मैं कराची जा रहा हूं तो उन्होंने साफ इनकार कर देना था। उन्होंने कहना था कि नाना उठे ना जाई, ससुराल वाले पोए चार जाएंगे। अच्छा ये बता, ताई जी और नुची आंटी के आपस में बातचीत शुरू हो गई कि नहीं? ओ कहा यार, अम्मी और खाला की तो और अनबन हो गई है। वैसे भी तुझे पता है कि रिश्तेदारों की कैसे तीलियां लगाने की आदत होती है। वैसे आधा खानदान अम्मी की तरफ है और आधा खानदान खाला की तरफ। तो तुमसे मिला नहीं? ओ कच्चा चुपा जाएंगी अगर उन्होंने मुझे कराची में देख लिया तो। अच्छा चल छोड़, उठ घर चल। ओ नहीं नहीं नहीं, उन लोगों में से किसी को नहीं पता चलना चाहिए मैं कराची में हूँ। अबे रिलैक्स कर यार, नहीं पता चलेगा, मेरे घर में से कोई नुची आंटी को नहीं बताएगा। उठ जा शाबाश, चल ना उठ जा यार। अच्छा कुछ खाते पीते हैं, आ जा बाइक लाओ। हाँ भी, क्या बात है, तेरा क्यों मूड लटका हुआ है? कुछ नहीं है बाजी। अभी कुछ नहीं है तो इतना मूड लटका हुआ है? कुछ हो गया तो तेरा तो मुंह गोडों हो जा लगेगा। आप भी ना अब्बा जी, बस माँ ने कुछ कह दिया है? अब्बा जी मम्मी जी हमेशा मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? मैंने उन्हें कितनी दफा कहा है कि मेरा अभी शादी करने का कोई मूड नहीं है। माँ है ना तेरी, तुझे खुश देखना चाहती होगी। और अब्बा जी मैं इसी तरह खुश हूँ। वैसे विक्की पुत्र है बेटा, तेरी तलाक को काफी लंबा अरसा नहीं हो गया? और आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मेरा एक बच्चा भी है? हम क्यों भूलेंगे यार, अल्लाह सलामत रखे उसे। लेकिन विकी तलाक के साथ जिंदगी रुक तो नहीं ना जाती है? मेरी रुकी? ये दूसरी बात है कि पहले तेरी माँ शक करती थी, अब वो तुझे मेरे पैर बिठा जाती है। ऐसी भी कोई बात नहीं अब्बा जी। मुझे सब पता है पुत्र, मेरी बात सुन। जिंदगी में हाँ साथ होते रहते हैं, पर इंसान को उसके साथ रुक नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और पुत्र तेरे सामने तो सारी जिंदगी पड़ी है, तो जवान जहान आदमी है, हैं? फिक्र क्यों करते? आई नो, लेकिन फिर भी अब्बा जी मम्मी जी को यह बात बार बार रबिन करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर मुझे शादी करनी होगी तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा अपने लिए। और ढूंढनी भी तुझे आप ही चाहिए, वरना पुत्र मेरी तरह तेरा ही प्राइस बॉन्ड निकल आएगा और फिर सारी जिंदगी ना करा करो चौधरी साहब, बस यही सुनता रही है। हेलो हेलो, क्या हाल है? Hey, Laila, what's up? Nothing much. सिला के घर जा रही हूँ। अब मुझे ना कहना कि मम्मी जी तुम्हारे पीछे पड़ गई, खुद जा जाकर मिलती हूँ उनसे। क्या मतलब? मतलब ये कि मम्मी जी भी तो आजर की तरफ ही जा रही हैं। Don't tell me. सिला ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। I'm sure उसे खुद भी नहीं पता होगा, ये मम्मी जी की सरप्राइज विजिट्स में से एक है। Oh God. मैं तो साइमा आंटी को फेस करने के स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं हूँ। ओ गॉड, सुखी भी तो वही है। चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय।
I need to tell them. I need to hurry up. अब इस उम्र में सेलिब्रेट करना कोई अच्छा नहीं लगता। कल रात को सिंपल केक काटते हुए तो बहुत एक्साइटेड थी। केक काटने में और डिनर करने में बहुत फर्क होता है। कर लेना नानी, अभी थोड़ी देर में मामा वगैरह आते होंगे तो इट विल बी फन ना। क्यों क्यों? हाँ ये तो है। हेलो हेलो हेलो, क्यों क्या हुआ? तुम हवा के घोड़े पर क्यों सवार हो? आप लोग हैं इतने आराम से बैठे हुए और आप लोगों को एक टोर्नेडो हिट करने वाला है। कौन सा टोर्नेडो? फैसलाबादी टोर्नेडो। नो यस नानी, अभी मेरी विकी से बात हुई और उसने मुझे बताया कि साइमा आंटी यहाँ हमें एक सरप्राइज विजिट देने आ रही हैं। ओह नो, अगर अगर साइमा आंटी ने मुझे यहाँ देख लिया तो 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 रिलैक्स यू गाइस, कुछ नहीं करती वो। अगर उन्हें मेरी शक्ल में नुच्ची आंटी नजर आने लगी फिर 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 सिला सिला जल्दी से जाओ और जाकर के शहाब को बुला कर लाओ और चाय वाय का इंतजाम करो। ओह माय गॉड, मुझे तो अभी चेंज भी करना है। यू आर लुकिंग फाइन नानी। हां आई नो आई एम लुकिंग फाइन, मगर साइमा के लिए तो आई एम नॉट लुकिंग फाइन। आई हैव टू चेंज और तुम्हें भी चेंज करना है। तुम इस तरह से प्लीज, तुम्हारी सास है वो। मेरी सास नहीं, आशा की ताई है वो। ताई सास एक ही बात है। जाओ जाकर के चेंज करो। तुम ये इस तरह की कमीज और फटी हुई जींस में तो उसके सामने नजर नहीं आ सकती ना। उठो जल्दी से उठो। हां नानी, बुला करके लाओ, चाय का इंतजाम करो। मूव इट गर्ल्स, मूव इट, मूव इट। ओह माय गॉड, आई हैव टू चेंज। खबरदार जो मुझे किसी ने कुछ कहा तो। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपनी जान बचा के भाग रही हूँ। यार एक बारी फोन तो कर ले यार। यार पागल हो गया, अपने घर तुझे लेके जाओ, इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है तू? मैं ये सोच रहा हूँ उन्हें कहीं बुरा ना लग जाए। यार हदों की बुरा मनाने वाली क्या बात है? और तू मुझे ये बता, ये मिठाई लेने की क्या जरूरत थी तुझे? तेरे बच्चे की पैदाइश के बाद पहली दफा आज मैं जा रहा हूँ और खाली हाथ जाते हुए वैसे भी अच्छा नहीं लगता। चल सही है, तेरी मर्जी है। अच्छा यार एक बार सिला को फोन तो कर ले। अच्छा यार तेरी तसल्ली होती तो बता देता हूँ। ओ किसने कहा था अभी सोने को? हाँ सर, अभी नहीं बात हो सकती। और फोन ही नहीं उठा रही यार। अच्छा कॉल बैक करेगी तो बता दूंगा। ठीक है। वालेकुम सलाम। हाय नी लैला, तू इधर किधर है? क्या हाल है तेरा? क्या मैंने तेरे से बोलती मेरे फैशन शो में नहीं किधर आई तू? अरे आंटी आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मुझे काम पड़ गया था। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा बड़ी, मैं आपसे भी बड़ी नाराज हूँ, आप मेरे फैशन शो में क्यों नहीं थी आई? अरे मैं माजरत चाहती हूँ, दरअसल मुझे बिल्कुल याद था, सुबह तक याद था और शाम तक पता नहीं क्यों दिमाग से गायब हो गया। उम्र इतनी हो जाए तो हर चीज ही बंदे के दिमाग से निकल जाती है वैसे। लेकिन अम्मा बड़ी बड़ी बुजुर्गी सी आ गई, माशाल्लाह बरकत पड़ गई आपके मुँह के ऊपर। वो आपको पता है नानी की बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे ये रहा आपका गिफ्ट, मैंने कभी किसी का उधार नहीं रखा, लेकिन आज अगर आपकी बर्थडे ना होती मैंने नहीं था मानना आपसे, मैंने नाराज ही रहना था। देखा नानी, मैंने कहती थी ताई जी का दिल बहुत बड़ा है। तो खड़ी क्यों है, आइए ना बैठिए। अच्छा जी। हाय कितनी प्यारी कोशिश करवाई है सोफे के ऊपर। वैसे सोफे तो काफी पुराने से नहीं हो गए, पुस से हो गए अब। ये वो है, ये चुन्नी है मेरी, सेक्ट्री है। अच्छा अच्छा। अपनी में से बैग बुक उठाए जाते, ऐले नहीं फाड़ मेरा परस उठा, थक जाती है ना मेरी कलाई में दर्द हो जाता है। अच्छा बस इसको रखती हूँ साथ, पानी पूनी पिलाती है, टहल सेवा करती है मेरी। वैसे आपकी लॉन ने तो कमाल कर दिया है। देख ले, मैंने तो पहले कहा था मैंने सारे डिजाइनरों का बाजा बजा देना है। आंटी आप चाय पियेंगी या खाना लगवा दूं? नहीं ब्लैक कॉफी हो तो बड़ा बेहतर सा हो जाएगा। ब्लैक कॉफी? वो असल में मैं डाइट कर रही हूँ ना तो मैं इसलिए जरा जी लेके आती हूँ। अच्छा एक बात ही बताएं कि मम्मा डी ब्लैक कॉफी से वाकई वजन गिरता कि एवे नहीं मते मैं पी पी के ना खाम खा काली शाह हो जाऊं? हां वो भी सकता है वैसे,
अरे देखिए तो सही कौन आया। सलाम अलैकुम ताई जी। वालेकुम सलाम। मेरा काका आ गया। नी मुगन के जिगे नी चोनी मनोनी नी दोदी आके पूछा नी पकड़िया नी मकड़िया ए तकले ओए 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 नी तकले ए जे जे पिजे हो जा नी तकले 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 नी मकड़ी 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 नी तकले तकले तू जाएगी नी मार सकती जाएगी। अरे ला 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 बड़े नक्श निकाल लिए खैर से हैं। हाँ जी हाँ, हम सब तो यही सोच रहे थे कि इसकी शक्ल चौधरी साहब से बहुत मिलती है। हाँ क्यों इसकी माँ को डरा रहे हैं? नहीं ताई जी, नानी का मतलब है कि इसके फीचर्स ताई जी की फैमिली वालों से मिलते हैं। हाय हाय क्या चौधरी साहब के खानदान के फीचर्स हैं। हाथ भी होगी तेरे वाली। अल्लाह मियां ने भी आटे के पेड़े बनाए, दो मोरिया की कच्चा लवे छल्ले फीचर्स है चॉइस साहब की तरह। नी जी गी वी गी नी चो नी मा नी दी दी नी उगलिया मुगलिया मुगलिया इता इता मैं ले लूँ। अच्छा अच्छा मामा डी वो रबिया और ही किधर है? हाँ वो लंदन गए हुए हैं ना, आज ही आना है। तुमने गाड़ी भेजती थी ना उनके लिए? जी ना लो तो लेकर जाओ इसे। वैसे मामा डी रबिया जी को जरा एहतियात चाहिए, इस वक्त इस हालत के अंदर ना बहुत टोरा फेरा ठीक नहीं होता। वो ताई जी आपने इस दफा आने का बताया ही नहीं। वो भी मेरा इतना छोटा सा ट्रिप था, असल में तो उन्होंने मुझे 5-star होटल दिया था, उन्होंने मुझे टिकट भेजी थी सेक्रेटरी के साथ, तो मैंने कहा चलो एक आधा दिन इधर भी रह जाती हूँ। छुन्नी को भी मैंने अपने कुड़मों से मिलाना था ना, देखिये कितना बड़ा घर इन्हों का है। हाँ मैं इसको जरा लेके आती हूँ। कितनी प्यारी लग रही है, माँ बच्चा मारकर नलकी लग रही है। जी जी। अच्छा तो अम्मा बड़ी मैंने तो आपको ये बताना था कि मैं कराची में भी अपनी दुकान खोलने लगी हूँ। ओह नो, मेरा मतलब ये है कि बहुत अच्छा आइडिया है ना। अच्छा बता, मैंने एक बड़ी अच्छी दुकान ताड़ ली है जमजमे के ऊपर। ताड़? ताड़ का मतलब नहीं आता आपको? वो जैसे किसी चीज के ऊपर आंख नहीं रख लेते कि ये मुझे चाहिए है। वैसे अम्मा बड़ी सालगिरह पे कितनी मोमबत्तियां लगाई थी, गिनी थी? गॉड। सो कैसा रहा? डोंट आस्क। सुना है ताई जी कराची में भी दुकान खोल रही हैं। मुबारक हो। बच के रहना तुम, बहू बनाकर तुम ही से ऑपरेट करवाएंगी वो कराची वाली शॉप। और ये आज़र कहाँ है? उसकी फैमिली आई है, उसको भी यहाँ होना चाहिए। लगता है उसे कब हो, ये तो मामा है। आ गई। हेलो जी मामा, ड्राइवर पहुँच गया था। तुम लोग क्यों नहीं आए हमें लेने? गेस हु गेव अस अ सरप्राइज विजिट। व्हाट? साइमा चौधरी आई हुई है? यस। माय गॉड ड्राइवर, गाड़ी मोड़ो, मैं तो वापस जा रही हूँ। क्या करने आई है अब वो यहाँ? डोंट वरी मामा, अभी थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट है, वो वापस चली जाएंगी। लेकिन गुड न्यूज इज कि वो कराची में अपनी शॉप खोलने वाली हैं, जिसका मतलब है कि उनका आना जाना तो लगा ही रहेगा। दैट्स इट, मैं अब कभी कराची में नहीं रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ फेस नहीं कर सकती भाई। ऐसा नहीं कहते मामा, बेटी का ससुराल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा नानी मत बनो। लैला सिला भाई कहाँ हो तुम, देर क्यों हो रही है? आए नानी। आतिश। अच्छा मम्मी, हम अभी ट्रॉली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तक तो ठीक थी, आगे की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। अच्छा ओके मामा, आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। हाँ मैडम, साइमा चौधरी तशरीफ ले आई है फिर से। खाने पीने की चीजें सामने आए ना तो कंट्रोल नहीं होता मेरे से। आप भी कुछ लेना? नहीं मैं डाइट पे हूँ। हालांकि आपको इस वक्त मसल्ले पे होना चाहिए। वैसे आंटी आपकी वो लाहौर और फैसलाबाद की दुकान कैसी चल रही है? हाय इतनी जबरदस्त है कि मैं बता नहीं सकती। अल्लाह का फजल करम से क्या होता है, जब 30 तारीख आती है मैं उस पर क्लियरेंस सेल लगा देती हूँ, तो फिर तो तुम कुछ ना पूछो। औरतें तो एक दूसरे के बाल नोचती हैं, खोई मोई पै जाती है, लुट पै जाती है। वैसे ताई जी मानना पड़ेगा, इतने कम वक्त में आपने इतनी फिनोमिनल सक्सेस हासिल की है। मुझे अपने टैलेंट के जोरे बाजू पे शुरू से ही बड़ा यकीन था। डॉली से बात हुई आपकी, कैसी है? खैरियत से है, खुश है ना? हाँ बात हुई थी, ठीक है, बट ठीक ही है। उधर दुबई में ना नबील का और उसके माँ बाप का बड़ा छोटा सा 3 कमरों का घर है। अरे दुबई में 3 बेडरूम का घर होना तो बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा घर होता है, बहुत महंगा। पर वेड़ा तो नहीं ना है उस घर में। ताई जी, as long as they're happy। आंटी आप आ ही रही थी तो डॉली की शादी किसी भी ले आती। हाँ मैं तो भूल ही गई, मेहंदी की वीडियो लानी चाहिए थी ताई जी। अरे हाँ, उसमें तो मुश्ताक और सुखी का डांस भी तो था। वो डांस मैंने वीडियो वाले से कटवा दिया था,
उसने डाल दिया था, मैंने लाटे लगाई दोस्त को। अच्छा चले छोड़े ना उस बात को अब। अम्मा बड़ी आपको नहीं पता, उसकी माँ नुच्ची ने मुझे सारे खानदान से उसने कटवा के रख दिया, हर जगह मेरी बदखोइयां करती फिरती है। एक तो दोनों माँ बेटे ने मुझे धोखा दिया, ऊपर से मेरे सारे रिश्तेदारों को मेरे से कटवा ही दिया। ताई जी छोड़े ना। छोड़े ना, ऐसे ही है वो। देख लो तुम लोगों की वजह से मैंने लिहाज किया उसका, और उसको डोली की शादी में मैंने आने दिया, नहीं तो मैंने लाने थे दो छितर और उसको बाहर निकालना था लमटीन को। छोड़े छोड़े, आप कॉफी पिए। अच्छा चलो ठीक है। पागल हो क्या? सॉरी ना, मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? मुझे क्या पता था कि मुश्ताक का नाम सुन के इतना नाराज होंगे। ये देखिए मैं किसको लेके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वे तू इधर क्या कर रहा है? दस का यार, हम शिकार से आए हैं। शिकार से? मैं लेके आया उसको ताइजन, लेकिन आप कहाँ से आई हैं? मैं आसमान से टपकी हूँ, पर ये यहाँ किधर आया है? वो मैं आया हुआ था, मैंने कहा मैं ले चलूँ। बड़े अफसोस की बात है, आप लोग मेरे दुश्मनों से मिल गए, मेरी पीठ पीछे आप इनसे मिलते हैं? नहीं, ये हमने नहीं बुलाया, ये तो आजर लेकर आया है। थोड़ी ना ताई जी, चुप कर जाओ। नहीं, तुम लोग सारों ने मिलकर मेरे दुश्मनों को अपने घर में घुसा लिया। ठहर जाओ, मैं निकली। आजर तू ना मेरे बीच में बोली, तू भी इनके रंग में रंग गया। नहीं ताई जी, ऐसी बात नहीं है। तू कितनी खोचल निकली है, मिस नहीं है, कुन्नी है, तूने तो मुझे बताया नहीं इधर आता जाता है, रोटियां खा रहा होगा। अम्मा बड़ी मुझे निशा पता कि कराची की जेंट्री भी झूठ बोलती है, जेंट्री भी धोखा देती है। हाय हाय अम्मा बड़ी, तड़िया नमाजा, हाय हाय, कोई फायदा नहीं होना आपके रोजों का। आजर तू भी इनके रंग में रंगा गया ना फिर, यूट्यूब ब्रोनकाइटिस। खैर जब खबरदार, तू मेरे आवाज दिखती तो दूर हो जाता। इंसान से गलती होती है ना, तौबा करता हूं मैं तो लग रहा है मुझे वाकई इधर कभी आना ही नहीं चाहिए था। यार इसमें तेरा क्या कसूर है, तू क्यों परेशान हो रहा है? अगर वो फोन उठा रही थी सिला, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया था? मुझे क्या पता तुम्हारे साथ मुश्ताक आ रहा है। तुमने चौधरी साहब को बता दिया था ना? ना ना, उन्हें मैंने पूरी कहानी सुना दी है। वो बहुत नाराज होके गई है। तो अब क्या हो सकता है, तुम्हारे सामने इतना रोकने की कोशिश की तो थी हमने, अब नहीं रोकी। और ये रबिया और फराज कहाँ रह गए? डेढ़ घंटा पहले उन्होंने फोन किया था, अभी तक पहुंचे नहीं है। मामा जरूर कहीं टाइम वेस्ट करी होंगी साइमा आंटी को अवॉइड करने के लिए। फोन करो, तुम पता करो कहाँ। अच्छा हाँ, फोन कर लो। वाकई हेलो जी, अशरफ भाई, मामा का फोन आपके पास क्या कर रहा है? क्या एक्सीडेंट? मामा का एक्सीडेंट? सिला, 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 आज़र,